रिलायंस जियो ने साल के पहले ही दिन अपने कस्टमर्स को एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है और 1 जनवरी से सभी ऑफनेट कॉल्स फ्री कर दी हैं। यानी जियो कस्टमर्स को दूसरे नेटवर्क्स पर कॉल करते हुए जो पैसे देने पड़ रहे थे अब वो नहीं देने होंगे। जियो टू जियो पहले से ही फ्री था, लेकिन अब जियो टू अदर नेटवर्क्स भी फ्री हो गया है। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है उसमें बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं जिनको आपके लिए जानना जरूरी है। पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अचानक से कैसे दोबारा जियो ने दूसरे नेटवर्क्स पर कॉल फ्री कर दी, और दूसरी बात ये कि आखिर ये कब तक फ्री रहेंगी। कहीं कुछ दिन बाद दोबारा से तो जियो दूसरे नेटवर्क्स पर कॉल के पैसे लेना शुरू नहीं कर देगा। साथ ही इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और इसमें आपके कितने पैसे बचेंगे, ये भी कुछ सवाल है जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस टेकटॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि जियो ने ऑफनेट कॉल्स फ्री क्यों की हैं, इसमें क्या पेच फंसा हुआ है, और इससे वीआई, एयरटेल, जियो किसको नुकसान होगा। इस पूरे गेम को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा आईयूसी को। आईयूसी मतलब इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज। ये वो पैसे हैं जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए दिए जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई एयरटेल यूजर किसी वीआई नंबर पर कॉल करता है तो एयरटेल को वीआई को इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज देना होता है। जिस नेटवर्क से कॉल की जा रही है वो उस नेटवर्क को पैसे देता है जिस पर कॉल की जा रही है। आईयूसी चार्जेस ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेट करती है, और इस वक्त ये चार्जेस जो है वो 6 पैसे पर मिनट थे। आईयूसी क्या होता है इसको समझने के बाद अब जानते हैं कि इससे किसको नुकसान है और किसको फायदा। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं 2011 में। उस वक्त जब कॉल चार्जेस काफी ज्यादा हुआ करते थे तब ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एफिडेविट में कहा था कि वो आईयूसी को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और मार्च 2015 तक जीरो आईयूसी रिजीम लाना चाहती है, यानी ऑफनेट कॉल्स फ्री करना चाहती है। इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच इस मामले पर एक लंबी बहस छिड़ गई और फिर 2017 में ट्राई ने आईयूसी को 14 पैसे पर मिनट कर दिया, और फिर 2017 में आईयूसी चार्जेस जो है वो 6 पैसे पर मिनट हो गए। लेकिन इस बीच रिलायंस जियो ये कहता रहा कि आईयूसी चार्जेस को भाई पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, लेकिन एयरटेल और वीआई हमेशा आईयूसी चार्जेस के फेवर में रहे। 2017 में जियो ने कहा था कि पिछले 5 सालों यानी 2011 और 2016 के आसपास बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने आईयूसी चार्जेस से 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। जब जियो टेलीकॉम मार्केट में आया और लोगों के घर घर पहुंच गया तब कंपनी का कहना था कि आईयूसी चार्जेस की वजह से उसको करोड़ों रुपए एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बेवजह देने पड़ते हैं। बेवजह कैसे, आइए समझते हैं। जब जियो आया तो ये पूरी तरह से फ्री था। जो आईयूसी के पैसे होते थे कंपनी उसे यूजर से नहीं लेती थी बल्कि अपने पास से दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देती थी, जबकि दूसरी कंपनियां कॉल चार्जेस लोगों से लेती थी यानी अपने यूजर से वसूलती थी। लेकिन फिर ऐसा होने लगा कि जो लोग एयरटेल वोडाफोन आइडिया यूज करते थे वो जियो यूजर्स को मिस कॉल देने लगे थे ताकि वो कॉल बैक कर सके। आपने भी अक्सर उस वक्त ऐसा किया होगा। जब जियो फ्री था तो हर मिस कॉल पर लोग कॉल बैक करते थे। जियो का कहना था कि इसकी वजह से उसके नेटवर्क पर हर दिन करीब 25 से 30 करोड़ मिस कॉल्स आते हैं और इस वजह से 65 से 70 करोड़ मिनट के कॉल्स जियो से दूसरे नेटवर्क पर बेवजह जाते हैं और इन सब का पैसा जियो को दूसरे नेटवर्क को देना पड़ता है। इसी वजह से जियो ने 2019 में फ्री ऑफनेट कॉल्स बंद कर दिए थे और लोगों से दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के चार्जेस जो हैं वो लेने शुरू कर दिए थे। बात यह थी कि जियो नेटवर्क से आउटगोइंग कॉल्स ज़्यादा होती थी और इनकमिंग कम, यानी जियो को आउटगोइंग कॉल्स के पैसे दूसरे नेटवर्क को देने पड़ते थे और एयरटेल और वीआई इससे अच्छी कमाई करते थे। ऐसे में अगर जीरो आईयूसी रिजीम इंप्लीमेंट होती तो इसमें एयरटेल और वीआई को बड़ा नुकसान होता। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स सितंबर 2018 से जुलाई 2019 के दरमियान वोडाफोन आइडिया ने आईयूसी से करीब 1800 करोड़ रुपए कमाए थे और एयरटेल को 570 करोड़ रुपए मिले थे। जियो को आईयूसी से नुकसान ही रहा और 2016 से 2019 तक कंपनी ने दूसरे ऑपरेटर्स को 13500 करोड़ रुपए दिए। लेकिन अब खेल जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब जियो देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क बन गया है विद अराउंड 41 करोड़ सब्सक्राइबर्स। एयरटेल के पास अब जो है वो 33 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और वीआई के पास 29 करोड़। ऐसे में जियो नेटवर्क पर आउटगोइंग से ज्यादा अब इनकमिंग कॉल्स हैं। यानी पहले तो आईयूसी का पैसा जियो एयरटेल और वीआई को देता था पर अब आईयूसी के करोड़ों रुपए जियो को मिलेंगे। ऐसे में जब ट्राई ने जीरो आईयूसी रिजीम इंप्लीमेंट कर दी है तो अब इससे वीआई और एयरटेल को फायदा होगा और जियो नुकसान में रहेगा। अब जानते हैं कि क्या अब जियो ने ऑफनेट कॉल्स हमेशा के लिए फ्री कर दिए हैं या फिर कुछ दिनों बाद कंपनी कस्टमर से दोबारा से पैसे वसूलने शुरू कर देगी। वेल, हमेशा के लिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब ट्राई ने आईयूसी चार्जेस खत्म कर दिए हैं तो जियो भी आगे अपने कस्टमर से ऑफनेट कॉल्स के पैसे चार्ज नहीं करेगा।